मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि बच्चे, हमने इस वीक यानी कि ट्यूजडे और वेनसडे को हमने पार्ट तीन किया था मोती जीवन के, जबकि जो थर्ड बुक है, तीसरी पुस्तक है मोती जीवन की, उसमें से हमने पार्ट तीन किया था। कौन सा था? आप और आपकी दोस्त, आपकी मित्र, कि आपके मित्र कैसे होने चाहिए। तो आज हम एक छोटी सी कविता है वसंत में से, पार्ट आठ, यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसकी कवित्री है जया जादवानी। जया जादवानी जो है वो एक आशावादी कवित्री है। जो कविता लिखता है उसको क्या बोलते हैं? कवि बोलते हैं, और जो कविताएं लिखती हैं उसको कवित्री बोलते हैं। तो जया जादवानी क्या कह रही हैं? जैसा कि मैंने बताया, वो एक आशावादी कवित्री हैं, तो वो निराश नहीं है। और यही वो आप लोगों को बताना चाहती हैं कि ये निराश होने का समय नहीं है। हमारी एक पोइम ऐसी पहले भी आई थी, ठीक है, कि उसमें भी यही बात की गई थी कि निराश होने का समय नहीं है। तो इसमें भी ये कवित्री क्या कह रही है कि हम लोग क्या हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये सबसे कठिन समय है। नहीं, अभी भी ये कठिन समय नहीं है। अभी भी क्या है, जो चिड़िया है वो आजाद रूप से उड़ रही है, अभी भी वो उसकी चोंच में एक तिनका है। अभी भी क्या है, रेलगाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, अपने स्थान जहां उसको जाना होता है वहां वो जा रही हैं। अभी भी क्या है, रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करते हुए स्टेशन पर लोग मिल जाएंगे आपको। और क्या है, अभी भी जो दादी नानी वो क्या है, कहानियां सुना रही हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो सब समय जो है वो चला गया है? वो समय अब भी है, ठीक है, अभी भी समय जो है पूरी तरह से वो वाला खत्म नहीं हुआ जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं। देखो बेटा, जो ये कविता है वो यही है, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पानी थामने को, पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, ठीक है। तो इसमें अब कवित्री क्या कहना चाहती है? पहले तो हम कहेंगे कि प्रस्तुत जो पद्यांश है, ठीक है, वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग तीन में से लिया गया है। कौन सी कविता में से? यह सबसे कठिन समय नहीं है, और इसकी कवित्री जो है वो कौन है? जया जादवानी है। तो वो अभी भी बता रही है कि अभी भी निराश होने का समय नहीं है, अभी भी जो है कठिन समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो बेटा, अभी भी चिड़िया जो है वो उड़ रही है स्वच्छंद रूप से, मतलब आजाद रूप से उड़ रही है। अभी भी उसकी चोंच में तिनका है, यानी कि आज भी देखा जाए तो चिड़िया को रहने के लिए जगह और पानी दाना सब मिल रहा है, ठीक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि चिड़िया ने घोंसले बनाने बंद कर दिए या चिड़िया नहीं है? तो अभी भी वो चिड़िया है, ठीक है, पक्षी है, और वो अभी भी अपना घोंसला बना रही हैं, उनको आश्रय प्राप्त है, ठीक है, उनके लिए दाना पानी भी है। फिर कहते हैं अभी भी झड़ती हुई पत्ती, यानी कि झड़ती हुई पत्ती मतलब अभी भी जो वृक्ष से पत्ता गिरता है, उस अभी भी वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, उसको थामने के लिए भी हाथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि अभी भी स्टेशनों पर भीड़ है। हम कैसे कह सकते हैं कि स्टेशनों पर भीड़ नहीं है? अभी भी स्टेशनों पर भीड़ है, अभी भी रेलगाड़ियां हैं, आ रही हैं, जा रही हैं अपने गंतव्य की ओर, मतलब जहां उसको जाना होता है वहां पर वो अभी भी जा रही हैं। और स्टेशन पर क्या है, लोगों की भीड़ भी है, लोग उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं कि कब उनकी जो रेलगाड़ी है वो समय पर आएगी और वो उस गाड़ी में चढ़कर क्या है अपने जो नियत स्थान है उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। फिर है जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से।
दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। अब देखो बच्चों, इसमें कवियत्री क्या कह रही है, आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हो, ठीक है, शाम होने वाली है, आप थोड़ा सा लेट हो गई तो अभी भी क्या है, आपके घर पर आपके कोई वेट कर रहा होगा, ठीक है, आपके माता पिता आपकी वेट कर रहे होंगे, आपके जो फैमिली मेंबर है वो आपका वेट कर रहे होंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि अभी हमारा कोई इंतजार नहीं कर रहा। यानी कि इंतजार कौन करता है, प्रतीक्षा कौन करता है, जो हमारी देखभाल करती हैं, जो हमें चाहते हैं, हमारे जो शुभ चिंतक हैं, जो हमारा हित चाहने वाले हैं, वही हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। आज भी अगर सूरज ढल जाने के बाद शाम हो जाने पर अगर हमारे फैमिली का एक मेंबर भी बाहर रहता है और वो सब घर पर नहीं आता, तो भी क्या है, हमें टेंशन हो जाती है, हम फोन पर फोन करना शुरू कर देते हैं, कहाँ पर हो, कब तक आओगे। तो अभी भी क्या है, प्रतीक्षा चल रही है ना, पति की कोई पत्नी प्रतीक्षा कर रही है, पत्नी की पति, यानी कि कहने का भाव ये कि फैमिली मेंबर जो है वो एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, उनके पास अब भी समय है, वो एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं। फिर है कि आज भी किसी ना किसी घर में बूढ़ी नानी दादी आपको मिल जाएंगी, परियों की कहानी सुनाते सुनते आपको नींद आती होगी। आज भी बच्चे क्या हैं, दादी के पास सोते होंगे, नानी के पास सोते होंगे, ठीक है, तो दादी नानी क्या हैं, उनको अपने समय की भी कहानियां बताते हैं, ठीक है, और जो वो बच्चे सुनना पसंद करते हैं वो कहानी भी, परियों की कहानी या अंतरिक्ष पार कैसे वहां पर लोग रहते हैं उनकी कहानी, कि वहां के बच्चे कैसे हैं उनकी कहानी बताती है। और आज भी बच्चे बड़े चाव के साथ, बड़े शौक के साथ क्या करते हैं, अपनी जो नानी दादी है उनसे कहानियां सुनते हैं और उनसे प्यार करते हैं। कहते हैं अभी भी क्या है, अंतरिक्ष के पार एक बस आती होगी और वो बस क्या करती होगी, जो बचे हुए लोगों की खबर है, यानी कि जो उस पार रहते हैं, अंतरिक्ष के उस पार रहते हैं, उन लोगों की अब भी खबर लाती होगी। तो कवियत्री कहती है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, ये सबसे कठिन समय नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि आज भी हम देखें तो पशु पक्षी जो है आजाद रूप से विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अभी भी उनके लिए आश्रय है और क्या है, उनके लिए दाना पानी भी है, अब भी स्टेशनों पर भीड़ लगी हुई है, ठीक है। तो अगर हम एक साइड सोचे और दूसरी साइड सोचे तो ठीक है, ये अब क्या है, अगर हम इस कविता से रिलेट करना चाहें तो क्या है कि अभी ये समय जो है हम कह सकते हैं कि कठिन समय चल रहा है, क्योंकि क्या है, ये कोरोना की वजह से क्या है, आज स्टेशनों पर वो भीड़ नहीं है जो पहले हुआ करती थी, या बस स्टेशन जो है बस स्टैंड पर वो भीड़ नहीं है जो होनी चाहिए थी, या आज बाजारों में या गलियों में वो रश नहीं रह गया। अब ये जो कुछ समय चल रहा है वो कठिन जरूर है, लेकिन ये समय जो है वो रहने वाला नहीं है, थोड़े टाइम के बाद जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो क्या है, फिर वही स्टेशनों पर भीड़ हो जाएगी, वही क्या है बस स्टैंड पर भीड़ हो जाएगी, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, ठीक, और उस गाड़ी की वेट करते भी लोग मिल जाएंगे। हाँ, कुछ नहीं बदला तो वो ये कि आज भी घर में अगर आप शाम को बाहर खेलने जाते हो, थोड़ा लेट हो जाते हो, तो आज भी मम्मी पापा क्या है आपकी चिंता करते हैं, वो आपकी बाहर खड़े होकर वेट करते हैं कि बच्चा नहीं आया, ठीक है। तो आज भी कहीं ना कहीं घरों में ऐसे केयर करने वाले फैमिली मेंबर मिल जाते हैं, और आज भी आपकी नानी दादी आपसे बहुत प्यार करती होगी, आपको तरह तरह की चीजें बना कर देती होंगे, ठीक है, सारा कुछ तो आजकल रेडीमेड नहीं खाते, तो वो क्या है, नानी दादी अपने हाथों से बना बना कर आपको खिलाते होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि आशावादी कवि है, कवित्री है, तो वो कहते हैं कि जीवन में हमें कभी निराश नहीं होना, हमें कभी नहीं कहना कि जीवन जो है थम गया है, समाप्त हो गया है, हमें जो है वर्तमान में रोना नहीं है, क्योंकि ये जीवन जो है बहुत अनमोल है, ये भगवान के द्वारा दिया गया एक सुंदर रचना है, तो कभी भी हमें निराश नहीं होना,
हमें बल्कि क्या है हमारे आसपास भी लोगों का एक ऐसा झुंड बनाना है, एक ऐसा ग्रुप बनाना है जो जिससे हमें पॉजिटिव वाइब्स आए, ठीक है, जिसको जिससे हमें सकारात्मक बातें जो है सुनने को मिले, तभी क्या है हमारे अंदर एनर्जी आती है। नहीं तो क्या है, अगर आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो क्या है निराशावादी बातें करते हैं, कहते हैं कि हाँ यार अब तो क्या है ये महामारी ऐसी फैल गई है ये, तो वो आपकी क्या है माइंड में सेट हो जाती है। अगर हम अगर चाहें तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता, ठीक है, हम बार बार उस चीज को नहीं सुनते तो हम रिलैक्स फील करते हैं, हम कहते हैं कि ये चीज कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब लेकिन जब कोई आगे कहता है आज इतने केस आ गए ये हो गया, तो हमारे दिमाग में फिर नेगेटिविटी छानी शुरू हो जाती है, हम फिर उस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा अच्छी बातें सोचो, सिर्फ जो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको फॉलो करो बस, और कुछ नहीं करना हमें। सोशल डिस्टेंस तो हम पहले भी करते थे, ठीक है, थोड़ा थोड़े गैप पे हम पहले खाना खाते आराम बैठते थे, ठीक है, तो अब भी क्या है सिर्फ वही जो इंस्ट्रक्शन है फॉलो करने और कुछ भी नहीं है। तो हमेशा अच्छी बातें सोचो, कभी भी नकारात्मकता बातें मत सोचो, कभी भी जो है नेगेटिव बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ जो आपको अच्छा लगता है सिर्फ वही करना है। तो ठीक है, ये जो थी जया जादवानी की जो पोइम थी, कविता थी, वो यही थी, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो चलिए अब हम क्या है, हमारी कविता जो थी उसके दो ही पहरे थे तो हमने वो कर लिए हैं। अब मैं इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपको करवा देती हूँ। इसके शब्दार्थ नहीं है, ठीक है, तो इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो ये है, यह कठिन समय नहीं है यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, यह कठिन समय नहीं है यह बताने के लिए कविता में निम्नलिखित बातें बताई गई हैं। पहला तो है, चिड़िया तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है, पेड़ों से गिरने वाली पत्तियों को थामने के लिए हाथ तैयार है, नानी दादी अंतरिक्ष से आने वाली बसों की कहानी सुनाती है, सूरज डूबने पर अभी भी किसी का इंतजार हो रहा है, अभी भी रेलगाड़ी अपने लक्ष्य पर जा रही है। फिर है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि वह तिनकों से अपना घोंसला बनाएगी ताकि वह अपने बच्चों के साथ चैन से रह सके। हम घर भी तो इसलिए बनाते हैं ना, घर इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे परिवार के सदस्य जो हैं, वो चैन से रह सके। तो चिड़िया भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। फिर है, यह कठिन समय नहीं है कविता हमें क्या संदेश देती है, इस कविता में निराशा से आशावादी बनने का संदेश दिया गया है कि हमें कभी भी निराशावादी बातें नहीं करनी है, निराशावादी बातें नहीं करनी है, हमेशा आशावादी बातें करनी है, हमें निराशा में नहीं रहना, हमें निराश ना होकर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। यानी कि हमें नेगेटिविटी को दूर करके हमें क्या है जो हमने एक टारगेट अचीव करना है, ठीक है, जो आपका एम है वो आपने क्या है उसको प्राप्त करना है। तो देखो जब तक हमारे माइंड में नेगेटिविटी रहेगी तो हम अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जरूरी है कि हमें निराशावादी ना होकर हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए। हमें क्या है हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, पास्ट की बातें जो है वो कहते हैं ना रात गई तो बात गई, तो हमें ऐसे ही वो बातें भुला देनी चाहिए कि जैसे रात चली जाती है और नया सुबह आ जाती है, नया सवेरा आ जाता है, वैसे ही हमें क्या करना है पुरानी बातों को भूलकर नई बातें जो है वो सोचनी चाहिए। फिर है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए तीन वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का जो है वो भाव निकल रहा है या नहीं। यानी कि हमने रुकना नहीं है,
हमने अभी भी ये वाक्य जो है, ये शब्द जो है वो यूज करना है, प्रयोग में लाना है और इसके वाक्य बनाने हैं। तो जैसे कि मैं बनाती हूँ, अभी भी देश में भ्रष्टाचार है। अब देखो मैं यहाँ पर रुकी नहीं हूँ, निरंतर मैंने बोला और अभी भी का भी प्रयोग किया। फिर अभी भी लोग कचरा फेंकते हैं। फिर अभी भी कई लोग जो है वो क्या है, गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। तो ऐसे ही आप भी क्या बना सकते हो, अभी भी कोरोना की वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते, अभी भी हमारे स्कूल जो है वो बंद है, ठीक है। ऐसे आप अभी भी से और भी वाक्य बना सकते हो। फिर नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करना है। पहले तो हमने क्या किया, अभी भी को प्रयोग किया, अब है कि नहीं और अभी भी दोनों को ही प्रयोग करना है। तो अब हम जो है, मैं वाक्य बनाती हूँ, आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं। अभी भी मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी, अभी भी हमारा स्कूल खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारा देश पूरी तरह से साफ नहीं है, ठीक है। आप इसकी तर्ज पर आप जो है और वाक्य बना सकते हैं, ठीक है, कि अभी भी हमारे स्कूल की जो क्लासेज है वो खत्म नहीं हुई है, अभी भी हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज है चल रही है, ठीक है। ये जो है वाक्य आप बना सकते हो। अभी भी हमारे जो अध्यापक गण है मेहनत कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है अपनी तरफ से जो लाइनें हैं वाक्य हैं बना सकते हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है कि क्वेश्चन आंसर जो है मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, ठीक है, और मैं पीडीएफ भी भेज देती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चनों के आंसर होते हैं ये आप खुद से बनाओ, ताकि आपको पता लगे कि आप जो है कहाँ स्टैंड करते हो, आपको वो वीडियो चैप्टर समझ में आए हैं या नहीं आए। क्योंकि देखो बेटा, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जाती हैं, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखो, समझो, ठीक है। और आपकी आगे से जो आप ये वीडियो देखोगे उसके लिए जो कमेंट बॉक्स लिखा होता है, बना होता है, उसमें आप अपनी अटेंडेंस भी आपकी मस्ट होगी, ठीक है। ये जो अटेंडेंस है वो आगे चलकर आपके ही काम आने वाली है। जो बच्चे अभी अटेंडेंस नहीं लगाते तो उनके लिए क्या ये नुकसानदायक हो सकता है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप स्कूल में ही हो, ठीक है, और आपके जो है इस लेक्चर का टाइम हो गया है। इस कारण क्या है, आप अपने आप को स्कूल में मान कर देखो। जैसे कि मैंने बताया ना, इसी से हमारी जो ये लाइन जुड़ गई है कि हमें आशावादी होना चाहिए, हमें क्या है, हमें सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए कि मैं क्लास में बैठी हूँ, अब मेरे जो है हिंदी का पीरियड आ गया है, ठीक है, अब मुझे अपनी हिंदी की बुक निकाल लेनी चाहिए। टीचर के कहने से नहीं, खुद को होना चाहिए कि अब हमारे इंग्लिश का लेक्चर है तो मैं अपनी बुक जो है और अपनी नोटबुक लेकर बैठूं, या मेरे कोई डाउट्स हैं तो मैं उसको अंडरलाइन करके रखूं ताकि मैं लाइव क्लास में अपनी मैम से ये पूछ सकूं। तो आप लोग अपने को पॉजिटिव रखते हुए ये समझे कि मैं क्लासरूम के अंदर ही बैठी हूँ, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आगे से कमेंट बॉक्स में आपकी अटेंडेंस मस्ट है, ठीक है, आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगाओगे। धन्यवाद।